भारत के पड़ोसी देश नेपाल से चंडीगढ़ हरियाणा विधानसभा में पहुंचा प्रतिनिधि मंडल का स्वागत विधानसभा स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता द्वारा किया गया। इसी अवसर पर प्रतिनिधि मंडल के साथ विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता ने एक संयुक्त प्रेस वार्ता आयोजित की, जिसमें इन्होंने बताया कि नेपाल का प्रतिनिधि मंडल का यहाँ पहुँचने का मुख्य उद्देश्य नेपाल में बन रहे संविधान में बनाए जा रहे कानूनों का अध्ययन करना है, जिसमें वहाँ के लोगों की सोच के मुताबिक ही कानूनों को बनाया जाएगा। चलिए आपको दिखाते हैं प्रेस वार्ता संबोधन में आगे क्या कहा विधानसभा स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता ने। जो नेपाल का प्रतिनिधि मंडल आया है, इसमें कौन कौन है और इनका उद्देश्य क्या है यहाँ आने का? देखिए, आज हमारे पड़ोसी देश नेपाल से एक जो स्टेट नंबर 5 जो नेपाल के अंदर 7 स्टेट्स बनी हैं, उनमें से एक स्टेट नंबर 5 का प्रतिनिधिमंडल आदरणीय श्री ऑनरेबल दीपेंद्र कुमार जी के नेतृत्व में यहाँ पर आया है। और क्योंकि नेपाल में लगभग 5 वर्ष पहले एक संवैधानिक राज्य की स्थापना हुई और जो 7 नई स्टेट्स बनी हैं उनमें से 5 नंबर स्टेट का गठन 2 वर्ष पहले हुआ। वहाँ उस प्रांत के अंदर जो वहाँ उनका जो संविधान बनने जा रहा है, जो वहाँ पर असेंबली की कॉन्स्टिट्यूशन हुई है, उसके नियम और कानून जो बनने जा रहे हैं, वो कानून ये जो प्रतिनिधिमंडल आया है वहाँ किस प्रकार के कानून बने उसका अध्ययन करने के लिए कि असेंबली के अंदर क्या रूल्स एंड रेगुलेशन उस असेंबली में हों, उस दृष्टि से आज हरियाणा प्रदेश के अंदर विधानसभा में इनका आगमन हुआ है। इनका बहुत स्वागत है, अभिनंदन है और आपस के अंदर बहुत एक अच्छी परिचर्चा जिसमें आदान प्रदान हुआ है कि वहाँ की जो ख्यालात हैं, वहाँ के जो असेंबली की जो सिस्टम है, वहाँ पर लगभग 50 लाख जो लोग हैं, जो 50,000 के करीब जो लोग हैं उनके ऊपर एक जो विधायक जो चुना जाता है। और मैं समझता हूँ कि नई वहाँ पर प्रक्रिया शुरू हुई है तो उसके अंदर इन्होंने अध्ययन किया है। मुझे आशा है कि जो हमारे कानून और जो हमारी यहाँ के नियम हैं उनका वहाँ पर बनाने में इनको सहायता मिलेगी। मैं अपनी तरफ से जो इस प्रांत के स्पीकर हैं उनको अपनी शुभकामनाएं देता हूँ, सभी सदस्यों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ और इनका बार बार यहाँ स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। लीडर साहब ने, हमारे देवेंद्र कुमार जी ने वहाँ नेपाल आने का निमंत्रण दिया है, उसके लिए भी मैं इनका आभार व्यक्त करता हूँ। अर्थ प्रकाश के लिए चंडीगढ़ से राहुल तिवारी की रिपोर्ट। ताज़ा अपडेट्स के लिए अर्थ प्रकाश टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें।